ये तस्वीर यूपी की वाराणसी की, जहां प्रधानमंत्री मोदी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर जीत की खुशी में आतिशबाजी की गई। जीत की खुशी में उत्साहित नजर आए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट पर जलाभिषेक भी करते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर रंग गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी की जीत की खुशी में बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता जमकर झूमे। जम्मू में भी बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया गया। कठुआ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जमकर नाच किया, साथ ही साथ एक दूसरे को जीत बधाई। ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक जीत पर सेंट आर्टिस्ट ने अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री को बधाई दी। आर्टिस्ट ने समंदर किनारे रेत पर प्रधानमंत्री मोदी की कमल के फूलों के साथ तस्वीर बनाई। मणिपुर में भी इंडिया गठबंधन की जीत पर जश्न देखने को मिला। मणिपुर की दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं जश्न मनाते हुए नजर आए। समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों को फूलों की माला पहनाकर जीत की बधाई दी। पश्चिम बंगाल में मिली बंपर जीत के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल। कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। आंध्र प्रदेश में मिली जीत को टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट किया। इस दौरान परिवार के लोगों ने मिलकर केक भी काटा। द्वितीय विश्व युद्ध की याद में अमेरिका नॉर्मेंडी तट पर डी डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान युद्ध के शहीदों को याद किया गया, साथ ही युद्ध के साक्षी रहे वीर जवानों को सम्मानित किया गया।